का अंडा है, ये मेरे दो अंडे हैं और ये रस है। और ये ना थोड़ा बटर टाइप ही होता है, कुछ बटर की फॉर्म ही होती है कुछ, और ये बटर जो मैं रस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आपका मेरे न्यू यूट्यूब वीडियो में और वेलकम है एक खूबसूरत दिन में आपका। अच्छा अभी क्या है कि सुबह का आगाज़ हमारा हो चुका हुआ, तकरीबन 10 का टाइम हो गया मेरे हस्बैंड सुबह उठ के, तो वो काम पे चले गए हैं क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हुई हुई हैं, तो इसलिए फिर मैं कभी उठ जाती हूँ तो कभी मैं नहीं उठती। अभी ऑलमोस्ट 10 हुए हैं और अभी मैं बच्चों को नाश्ता बना के देने लगी हूँ। और आज के नाश्ते में क्या स्पेशल था, मैंने बनाने थे वलू वाले पराठे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब मैं वैसे आगे पीछे जाते हुए सारे कहीं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो जो वर्किंग डेज है ना उनकी भी मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँ। वीकेंड की तो ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ 2-3 दफा की हुई है, लेकिन आज मैं बनाऊंगी वलू वाले पराठे और साथ में अंडा, और अपना भी जो नाश्ता बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेक श्योर कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैं वलू वाले पराठे इस तरह से बनाती हूँ तो आप किस तरह से बनाते हैं, बताना ना भूलिएगा। जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूंगी। तो चले टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने खाने का नाश्ते की शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, अभी अल्लाह का नाम लेके किचन का आगाज़ हो गया और सारा दिन किचन में ही निकल जाता है सुबह से शाम तक। पहले मैंने अपना ये लीमू पानी बनाई है, 600 ml के बीच में एक बड़ा लीमू डालती हूँ और एक चम्मच बड़ा शहद का डालती हूँ मैं, और वार्म वाटर, बस ना तो बहुत ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि मैं उसको पी लेती हूँ आराम से, और ये मैं डेली सुबह पीती हूँ। इससे ही क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जितने रात के टॉक्सिज होते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। और इसके पीने के बाद फिर मैं अल्लाह का नाम लेके तो शुरू करने लगी थी वलू वाले पराठे। ज़्यादा तो नहीं बनाए, इसलिए मैंने दो ही बनाए थे, लेकिन मैंने बोला चलो सुबह की रूटीन आपके साथ, मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं वैसे एक तरह से नहीं बनाती, मैं मुख्तलिफ 3-4 तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन आज का ये ना मुझे बड़ा इजी लग रहा है। जब दिल थोड़ा बुझा बुझा हो ना तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, पर बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, ईजी बनते हैं पूरी रोटी बनाने के लिए। इस वजह से करके तो उसको लंबा करके घी, अच्छा जो घी मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारे इधर से ईजीली मिल जाता है, ये इंग्लैंड से आता है, यूके से आता है, तो ये देसी घी होता है। ये मैं बच्चों को लगा के रोटी बना के देती हूँ, क्योंकि इधर वैसे तो घी मिलता कोई नहीं, ऑयल ही होता है, और ऑयल के साथ हैं बच्चों को थोड़ा ना हेल्दी भी मजा के करने की आदत डाली हुई है। तो मैंने सोचा कि उन्होंने आज सुबह की जो रूटीन है वर्किंग डेज की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे वीकेंड के स्टार्ट शुरू आप लोगों के साथ शेयर मैंने की हुई है। बाकी आप सुनाए यार, क्या कुछ चल रहा है? दिल ना ऐसे बड़ा बोझल बोझल सा है फलस्तीन का देख देख के ना, और अपने बेगैरत स्पेशली पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको देख के, बगैरत कौम तो नहीं है, बगैरत बगैरत जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, पर बेगैरत बना बैठा हुआ है फिलहाल। इनके लिए जो बोले गए थे ना अल्फाज के, ये पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच के खा जाए, तो वो एग्जैक्ट सूट करते हैं। और मैंने ये भी सुना कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ है फलस्तीन से रिलेटेड, तो इसने गवर्नमेंट ने मारा है उनको, लोगों को, और भगा दिया उधर से, ये बगैत करेंगे दिफा। मिसाइल पे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं सारी जो यूरोपियन मीडिया है वो भी हंस रहे होंगे, अपने बनाते जा रहे हैं और छुड़ाते जा रहे हैं, अपने ही लोगों की ये मदद नहीं कर रहे, उनको बे यारो मददगार छोड़ा हुआ है इन्होंने। देखेंगे आप यकीन करेंगे आधे से ज्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती उनके बच्चे देखते। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम पागल हो जाओगी, मैं वीडियो देख रही थी, मेरा सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता। मैं चांद को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ पता नहीं उधर रात किस तरह की होती होगी, खून ख्वार किस्म की, दिन होता है तो दिन मुझे हर खाने पीने की चीज में, हर एक चीज में उधर के बच्चे दिखते हैं।
हमारे बच्चे को हम थप्पड़ मार दे ना, नाराज हो जाए थप्पड़ मार दे, तो हमें अगले 6 घंटे स्कूल नहीं आता, हमें टेंशन होती रहती है कि हमने मारा उसको, लगी होगी, रोया होगा। तो फिर जिगरे देखे उनकी माओ के, जिन्होंने 3-3, 4-4 बच्चों उनकी लाशें उठाई हुई है अपने हाथों में, और कुछ मैंने फलस्तीनियों के पेज इंस्टा पे लाइक किए हुए, उनके जाके आप बीच में देखे ना, तो अल्लाह माफी अल्लाह तुम्बा। इस तरह की जिधर ब्लास्ट हो रहे हैं ना, उधर वो जिंदा हैं लोग, लेकिन उनकी खोपड़ियाँ उड़ी हुई हैं, बच्चे हैं, उनकी हाथें कटी हुई, जली हुई टांगें, इस तरह क्यामत खुद बताएगी क्यामत वाले दिन कि उसका आना क्यों जरूरी था। अगर काफिर और यहूदी जो हैं, इनको अल्लाह ताला का अजाब होगा ना, दोजख में डाले जाएंगे, तो बहुत बड़ी कसीर तादाद में मुसलमान में डाले जाएंगे जो दोजख की आग का ईंधन बने है। अल्लाह मालिक है, अगर पता नहीं है तो अल्लाह ताला की मर्जी से, तो इसमें भी तो उसकी रजा होगी ना, जो इनको अजमार है। मस्जिद अक्सा पूरी मुस्लिम उम्मा की, पूरी मुसलमान दुनिया की, लेकिन खड़े वो सिर्फ उसके आगे है। शायद वो लोग मरने के लिए इस दुनिया पे आए थे। खैर, चाय सिर्फ मैं ही किसी और सुबह के टाइम पीती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं पीती, तो मैं उसको कप में ही बना लेती हूँ। इसमें ये मैंने वो शक्कर वाली होती है ना चीनी, वो डाली है, और टी बैग्स डोर डाले हैं, तो इसको 200 सेल्सियस पे लगाऊंगी ओवन में, तो फिर इसको निकालूंगी, फिर इसको निकाल के अच्छी तरह से हिलाऊंगी और दोबारा रख दूंगी, तो चाय बन जाती है। मैं ये होता फिर मुझे जब किसी और ने पीनी नहीं, और ये भी मैंने नहीं पीनी सिर्फ, ये बच्चे भी थोड़ी थोड़ी साथ पीते हैं, और ये तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मैंने अंडा खोला, मामा मैंने अंडा खोला, और फिर देखिए इस अंडे का क्या हाल किया। अगले दिन भी इसने कहती है मैंने अंडा तोड़ना, तो इसने अंडे को तोड़ ही दिया, तो अभी भी इसने बोला कि मामा मैंने अंडे को तोड़ना, मैंने कहा तोड़ लो, उन्होंने निरा ही तोड़ दिया अंडा है। पराठे बन गए थे इधर मेरे, तो अभी मैं बच्चों के लिए अंडे बनाने लगी हूँ। ये बच्चों का ही नाश्ता है, ये मेरा नहीं है, मैंने जो चाय थी वो जो इधर मिलते हैं ना रास और बटर लगा के, मैं वो खाती हूँ साथ। खैर ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया, 2-3 बाइट मैंने किए थे पराठे के। खैर यार, बातें जो मैंने आपके साथ की जज्बात की होगी मैं थोड़ी ज़्यादा, ये मेरे तासुरात थे शायद। ओवरसीज ना इस चीज़ पे कार भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जो ओवरसीज मैंने पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े यूट्यूब देखे हैं, जो सिंगिंग फेस्टिवल हो रहा है उधर जा रहे हैं, जो कुछ मैच में लगे हुए हैं, कुछ को वो नवाज शरीफ इमरान खान की पड़ी हुई है, कोई फलस्तीन के मुद्दे पर बात ही नहीं करता। इतने हम पत्थर दिल हो गए, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें देखते हुए अंधा बना दिया है कि हमें उधर होते हुए जुल्म नहीं दिखाई दे रहे। वो पूछेगा, वो सबसे पूछेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा, और पता नहीं कौन कौन जो सफेद पोश दिखते हैं ना लेकिन बात नहीं करते, दो लाख की आग का ईंधन बनेंगे इंशाल्लाह। मैं बार बार जिस बात की हो रही हूँ उसके लिए माजरत, लेकिन नहीं रहा जा रहा मेरे से। इधर मेरी चाय बनेगी थी, और अंडे भी मैंने बॉयल कर लिए थे, अंडे भी डेली की मैं 2 अंडे खाती हूँ, कभी दिल करे तो इस वजह से ज्यादा स्मेत ही मैं तो खाती हूँ, क्योंकि जो उसमें फैटी एसिड होते हैं वो हेल्दी वाले होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई भी बनाई हुई चीज़ जो है वो फजूल और ज़ाया नहीं है, वो आगे पीछे से साइंस घूम के उधर ही आ जाती है, इसलिए जो अंडे हैं हेल्दी होते हैं। मैं रोज़ के 2 अंडे खाती हूँ, कभी कभी एक की सर्दी खा लेती हूँ, कभी कभी दोनों की खाती हूँ, ज़्यादा तो दोनों की हर खाती हूँ। तो ये बच्चों के अंडे बन गए थे, अभी अपने ये मैं 2 बनाने लगी हूँ। खैर मुझे याद नहीं रहा था कि अंडे बॉयल नहीं किए आज मैंने, मैंने आज जो अंडे फ्राई किए हैं कभी चिकन और ऑलिव ऑयल में डालती हूँ, मैं दूसरा ऑयल नहीं इस्तेमाल करती ना अपने खाने के लिए। हांडी में तो गर्भ तो मजबूरी है डालती हूँ, लेकिन इसमें ऑलिव ऑयल डाला और ब्लैक पेपर डाला, पिंक सॉल्ट, मैंने ये देखे जो पिंक सॉल्ट होता है ना वो मैं डालती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो वाइट सॉल्ट है ना वो कम ही मैं डालूँ, इसलिए ज़्यादातर मैं पिंक सॉल्ट, मैं
बहुत ज्यादा तो नहीं, पर बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि चीजें जो है ना वो हेल्दी वे में बना लूं। अभी ये चाय निकाल के तो मैंने उसको अच्छी तरह से अच्छा जी हमारा नाश्ता तैयार हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हैं जी फाइनल वलू वाले पराठे जो मेरे बच्चों के पसंद के हैं, बहुत शौक से वो खाते हैं। अभी वो बेचारे बैठे हुए हैं तो मैंने उनको रोका हुआ है। ये उनका अंडा है, ये मेरे दो अंडे हैं और ये रस है। और ये ना थोड़ा बटर टाइप ही होता है, कुछ बटर की फॉर्म ही होती है कुछ। और ये बटर जो मैं रस पे लगा के और साथ चाय के खाऊंगी, ठीक है। और ये साथ मेरा अंडा है। अच्छा जी हम लोग अभी नाश्ता करने लगे हैं क्योंकि नाश्ता तैयार है, अभी इंतजार कर रहे हैं बच्चे भी और मुझे खुद भी भूख लगी हुई है। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।